हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं दी ऑडियो टीवी सेंटर ऑफ एक्सपी एंड एक्सपी वेरिएंट को। इन दोनों स्कूटर्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि भाई एंटोर्क एक्सपी और एंटोर्क एक्सपी में काफी ज्यादा प्राइस डिफरेंस आपको मिलने वाला है। अब 7,000 या 8,000 के करीब जो प्राइस डिफरेंस है, उसमें आपको एंटोर्क एक्सपी में क्या मिलेगा और एंटोर्क एक्सपी में आपको क्या नहीं मिलेगा, सभी चीजों की बातें इस वीडियो में करेंगे। क्या क्या प्राइस का डिफरेंस रहने वाला है, कौन कौन से फीचर्स वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे, तो सभी चीजों की बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट टू दिस वीडियो, अगर आप टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो ओम टीवीएस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द शोरूम यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट टेक अ लॉन्ग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं इसे वीडियो को स्टार्ट और करते हैं दोनों स्कूटर्स का फ्रंट से कंपैरिजन। तो फ्रंट में आपको कोई भी चेंजेस फ्रंट में देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में दोनों स्कूटर्स में जो साइड विंकर्स हैं वो आपको हैलोजन बल्ब के मिल जाते हैं, स्मार्ट एक्स कनेक्ट दोनों में मिल जाता है और जो फ्रंट का वेजर है वो भी सेम मिलने वाला है। फ्रंट में अगर हेडलैम्प सेक्शन की बात करें तो भी दोनों में आपको जो एलईडी सेटअप है वो अवेलेबल होगा और जो डीआरएस का डिजाइन है वो भी टीवीएस ने काफी अच्छा किया है। काफी अच्छा लुक स्कूटर्स का आपको फ्रंट में देखने मिल जाता है। फ्रंट फेंडर का जो डिजाइन है वो भी सेम मिलने वाला है। अब अगर बात करें कलर की, तो फ्रंट में जो आपको एक्सपी वेरिएंट है उसमें आपको जो ब्लैक विथ जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन वो मिलेगा और यहाँ पे आपको जो रेसिंग ग्राफिक्स है वो देखने को मिल जाते हैं और इस साइड में जो एंटोर्क की आपको ग्राफिक्स है वो देखने को मिलेंगे। आरटीएफआई का जो स्टीकर है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक्सपी का अगर कलर की बात करें तो भी नियॉन ग्रीन कलर इस स्कूटर का रहेगा और ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स है वो कुछ इस कलर के मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जो एंटोर्क के ग्राफिक्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। आरटीएफआई भी भाई दो इसमें भी मिल जाता है और उसमें भी मिल जाता है, तो भी फीचर्स वाइज आपको जो डिफरेंस है वो आगे बात करने वाले हैं। तो फ्रंट का जो डिजाइन है वो भी कुछ इस टाइप का मिलेगा। फ्रंट में अगर टायर साइज की बात करें तो भाई 100x80 का जो टायर सेक्शन है वो मिलने वाला है और अलॉय व्हील्स की बात करें तो भी डेफिनेटली अलॉय व्हील्स में आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। एक्सपी में आपको जो अलॉय व्हील्स हैं उनका डिजाइन आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा और एक्सटी में जो आपको डिजाइन है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। डिफरेंस की बात करूं तो एक्सटी में आपको जो अलॉय व्हील्स हैं वो काफी लाइट वेट मिल जाते हैं और जो डिजाइन है वो एक्सपी के कंपेयर में काफी अच्छा लग रहा है। तो आप एक बार चेकआउट करो कि आपको किसका जो एलॉय व्हील का डिजाइन है वो अच्छा लगा और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। कलर मैं अगर बात करूं तो नियॉन ग्रीन कलर जो है एक्सटी का वो एक अलग लुक का कलर आपको मिल जाता है और काफी ग्लॉसी कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंटोर्क एक्सपी की अगर प्राइसिंग की बात करें तो 1,07,000 के करीब इस स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस है वो मिलेगा और एक्सटी वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें तो 1,15,000 के करीब इस स्कूटर का प्राइस रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस रहेगा वो 7,000 से 8,000 का डिफरेंस रहने वाला है। अब 7,000 से 8,000 में आपको एक्सटी में क्या मिलेगा और एक्सपी में क्या नहीं मिलने वाला उनकी बात आगे वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। साइड की प्रोफाइल से बात करें तो भी साइड की प्रोफाइल में भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाले, ऑल द जो डिजाइन है एलिमेंट्स है मैकेनिकल एलिमेंट्स वो आपको सेम मिलेंगे। तो ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, एंटोर्क 125 की जो आपको 3D बैजिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। रेज स्पायर जो ग्राफिक्स है वो आपको इस टाइप के मिलेंगे। इस साइड अगर ग्राफिक्स की बात करें तो जो ग्राफिक्स है वो आपको इस टाइप के मिलेंगे और एंटोर्क 125 XT की जो आपको मेंशनिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। सीट का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, काफी वाइड और जो वेल पैडेड सीट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब अगर बात करें हैंडल बार और मीटर कंसोल की, तो एक्सपी का जो हैंडल बार है उसका डिजाइन आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा और एंटोर्क एक्सटी का जो डिजाइन है वो कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। अब जो 7,000 से 8,000 का डिफरेंस है वो है इस चीज का, यहाँ पे आपको हाइब्रिड डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको TFT और LCD डिस्प्ले मिल जाती है, बट एक्सपी में आपको जो डिस्प्ले है वो खाली LCD मिलेगी। तो भाई बात करते हैं एंटोर्क एक्सटी के मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल का जो डिजाइन है वो भी आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे आपको हाइब्रिड डिस्प्ले मिल जाती है। अब आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो ऑडोमीटर्स की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी, लैप की यहाँ पे इंडिकेशन अवेलेबल होगी, मतलब आपको यहाँ पे लैप टाइमर मिल जाता है, टॉप स्पीड की इंडिकेशन अवेलेबल होगी, फ्यूल की इंडिकेशन अवेलेबल होगी। और अगर इस साइड बात करें इस डिस्प्ले में आपको क्या क्या अवेलेबल होने वाला है, तो यहाँ पे आपको जो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन की जो इंडिकेशन है वो अवेलेबल होगी, बट जो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन है वो आप स्टैंड स्टिल यानी कि जब ये स्कूटर खड़ा होगा तभी वो चेकआउट कर सकते हो, तो ये चीज़ें आप फोन में भी चेकआउट कर सकते हो। बट इसमें आपको जो डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट है उसके थ्रू आप इसमें जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो एडजस्ट कर सकते हो, मोड्स में स्विच कर सकते हो, जो इसमें बैटरी वोल्टेज है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। यहाँ पे आपको एंटोर्क एक्सटी के जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। वैसे एक्सटी पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। अब एक्सपी के कंपेयर में यहाँ पे आपको एक साइलेंट स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, आपको सिंपली वन टाइम प्रेस करना है और जो स्कूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट एक्सपी में आपको जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो डेफिनेटली आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो ये फीचर्स वाइज आपको चेंजेस मिलने वाले हैं एक्सटी और एक्सपी में। इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई दोनों स्कूटर्स में आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन अवेलेबल होगा, एयर कूल्ड कूलिंग के साथ जो इंजन है वो अवेलेबल होने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई जो एक्सपी है उसमें आपको डेफिनेटली
ज्यादा परफॉर्मेंस ये इंजन प्रोवाइड कराएगा। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई एक्सपी में जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो 10.2 पीएस की पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का जो पीक टॉर्क है वो एक्सपी में आपको मिलने वाला है। अब अगर बात करें एक्सटी के इंजन परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पावर जो टॉर्क है वो एक्सटी के कंपेयर में डेफिनेटली कम मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 9.5 पीएस की पावर और 10.2 न्यूटन मीटर का जो पीक टॉर्क है वो एक्सटी में आपको मिलने वाला है। तो जो ये चीजें आपको अदर वेरिएंट्स में मिलती हैं वो ही इंजन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस आपको एक्सटी में मिलने वाला है। कंक्लूजन की बात करें तो एंटॉर्क जो एक्सपी वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है कंपेयर टू एक्सटी वेरिएंट। जो आप एक्स्ट्रा पैसा उसमें डाल रहे हो वो सारी चीजें आप अपने जो फोन है उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक्सपी जो वेरिएंट है उसमें आपको एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा टॉर्क भी मिल जाती है। तो एक्सटी के कंपेयर में एक्सपी वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। इन दोनों स्कूटर्स को लेकर मैंने अलग अलग रिव्यू भी इन दोनों स्कूटर्स का किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो भी चेकआउट करनी है तो उनका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, वहां से भी आप ये दोनों वीडियोस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों स्कूटर्स को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल द टाइम स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।